अगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को बायर के पोर्टल पे सीआरसी कैसे जनरेट करते हैं वो बताऊं। बेसिकली सीआरसी होता क्या है, जब हम कोई ऑर्डर हमें प्लेस होता है बायर की तरफ से, तो एज ए सेलर हम उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी करने के बाद वो लोग बायर जो है उनको, मतलब बायर जो हम लोग कंसाइनी बोल सकते हैं, एक्चुअली जेम के इस पे कंसाइनी उस प्रोडक्ट को रिसीव करता है। जब रिसीव करता है तो उनको वहाँ पे सीआरसी जनरेट करना पड़ता है ताकि वो मटेरियल रिसीव हो गया। तो वो सीआरसी जनरेट करने का कैसा प्रोसीजर होता है, सीआरसी के बाद ही बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी आता है कि हम रेटिंग प्रोवाइड कैसे करते हैं। तो आफ्टर सीआरसी हम जिनसे ऑर्डर लिए हम उनको रेटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए बायर। जो भी सेलर को, जो सेलर ने प्रोडक्ट दिया है, अपने को मटेरियल प्रोवाइड किया है, उसको हम लोग रेटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीआरसी जनरेट कैसे करते हैं। सीआरसी जनरेट करने के लिए ये हमने बायर की आईडी से लॉगिन कर लिया है और अभी हम जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट, सर्विस का है तो सर्विस ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर ऑल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको जो भी आपने ऑर्डर्स दिए हैं उसका सब डिटेल्स दिखना चालू हो जाएगा। जैसे ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है, यहाँ पे डिलीवर्ड बोल के आ रहा है। यहाँ पे जो मेरे पास पेंडिंग है वो आपने को आएगा। यहाँ पे ये डिस्पैच 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 आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका हमें सीआरसी जनरेट करने को मिल रहा है। जैसे इसका सीआरसी अभी पेंडिंग है, तो ये सीआरसी जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पे प्रोसेस ऑर्डर करना पड़ेगा। इसको प्रोसेस ऑर्डर, यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे अपने को डिलीवरी डेट, कभी डिलीवरी हुआ, मुझे मान लीजिए ये डिलीवरी हुआ आज के डेट में 30, जो हम रिसीव करते हैं उसका वाउचर नंबर कुछ रहा था, वाउचर नंबर डाल सकते हैं, वाउचर डेट ये भी 30 को ही हम लोगों ने जनरेट किया और इसको करते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी के लिए, यदि आप यहाँ पे क्वांटिटी के लिए भी ऑप्शन है, यदि आपके पास कम क्वांटिटी रिसीव होता है तो आप इसमें क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो रीजन फॉर नॉट रिसीव्ड आइटम, जो नॉट रिसीव्ड, एक अपने को आइटम रिसीव नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ आप इसका डिटेल्स भी डाल के कर सकते हैं। यदि आपको रिसीव्ड कम करना है, हम यहाँ पे 10 का 10 कर रहे हैं और इसको सेव एंड कंप्लीट, सीआरसी अपडेट हो गया। अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कंफर्म, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यदि आपके पास कोई बुक एंट्री वगैरह है इंटरनल डिपार्टमेंट में, तो ये पेज नंबर और सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं, मेंटेन करते हैं तो, नहीं तो इसको 7 कंटिन्यू। सीआरसी हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यहां से सीआरसी सेव्ड हो गया। आपको अभी यहाँ पे वेरीफाई विद ओटीपी से, ओटीपी से वेरीफाई करना है। यहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे ही डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे, आपका ये सीआरसी जनरेट हो जाएगा। सीआरसी जनरेट होने के बाद हमें रेटिंग का ऑप्शन आता है, हम रेटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं बायर को, जो भी सॉरी सेलर को, जो भी सेलर है हम उनको उसका रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना 1 से लेके 5 तक में रेटिंग रहता है, और वही जो रेटिंग है वो सेलर के प्रोफाइल में अपडेट हो जाता है।